वो भी कार तो ये तो अभी पका नहीं है इसका, इस पर तो अभी छोटा है, पेटियों में पैक करके साइज इसका छोटा रह गया। मैं ग्रोथ लगा तो बड़ा नहीं है, ग्रोथ नहीं है। नहीं नहीं ग्रोथ होती है, बस एक छोटी है अभी। अच्छा तो वो जो है क्यों नहीं यार कैसे इतना इतना होता है घंटा डेढ़ घंटा चार्ज करते हैं कॉलेज वाले। हाँ देखना ना वो कितना बड़ा हो जाता है ना। इधर साल में अभी सितंबर में चलते आ रहे तो ये लोग क्या कह रहे खाली करो। नहीं 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 क्या कह रहे हैं जो ठंडा करे तो आपके पास है वहीं आके धंधा बात करूँ। इधर तुम भी इधर तुम जरी इधर से यार रास्ता वैसे पूछो ना बता। पिक्चर्स बना रहा ये मैं मूवी बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सेब के बाग लगे हैं। वीडियो बना रहे हैं आप? वीडियो बना रहे सर। ये कितने टोटल दरख्त हैं? 170। अच्छा यहाँ पे अभी थोड़े कच्चे सेब लगे हैं, नीचे आपने पक्के देखे थे थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे बहुत ऐसा लगता है जैसे जन्नत है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत प्यारे आके भी बहुत लगे हैं। यहाँ पे सिर्फ सेब के भी नहीं बल्कि आड़ू के भी लगे हैं दरख्त। ये अल्लाह ताला की शान है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। जब भी आप देखोगे, जब भी यहाँ पे आओगे आप कहेंगे सुभान अल्लाह। ये है इनकी तजरबाती, इनका तजरबाती पौधा है। अब ये जो नस्ल अब चल पड़ी है ना, बहुत रेड है और बहुत मीठा है, इससे पानी बहुत निकलता है। इन्होंने इधर पौधों के नाम रखे हुए हैं हर किसी के। अब देख सकते हैं काफी बहुत बड़ा बाग है यहाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये मरी के लोग रेड सेब देख तो बेहोश हो जाते हैं पहाड़ों पे। नीचे देखे ना रेड बिल्कुल। ये अब रास्ता जा रहे हैं ऊपर, हम ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी ये भी पक रहे हैं, ये थोड़े से खराब हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा रास्ता खराब है आगे से, फिर सर नहीं आओ हमारे साथ जो आए हुए। मैं हूँ आपका मेजबान शिराज अली। अब आप दे सकते हैं यार हम आगे कॉमर्स कॉलेज। ये रास्ता आ रहा है, ये गिर रहे थे अल्लाह ताला ने बचा लिया इनको। हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये है कॉमर्स कॉलेज, वो सामने आप दिख रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है। अब ये बहुत पुरानी कोठी है जिसके रास्ते में हम जा रहे हैं। ये बहुत पुरानी कोठी है, ये आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के दौर की कोठी है। तकरीबन इसको
कितने साल हो गए इसको? तकरीबन 50-60 साल हो चुके हैं यहाँ, इससे भी पहले है ये। और यहाँ पे ये ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज है, ये बहुत पुराना घर है। ये काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है, 60 सालों से ये बंद पड़ा है और यहाँ पे कोई रहता नहीं है। यहाँ पे कुछ असरात होंगे हम नहीं जानते, बस इतना कह ही सकते हैं। आप देख रहे हैं भाग गया साला। यस बात जा रहे हैं, जो सड़क जा रही है नीचे रोड, ये प्रोग्राम लगेगा यूट्यूब पर। इस प्रोग्राम का नाम है जंगल मैन, मैन विसेज वाइल्ड। यहाँ पे अभी कोई आया हुआ है, अब देख रहे हैं ये फिर आया, ये कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है पता नहीं। ये कुत्ता है, बुल टेरी जिसे बोलते हैं, शायद वही है। यहाँ पे अक्सर जानवर देखे जाते हैं, जैसे बल्कि यहाँ पे नहीं, इससे नीचे, काफी नीचे, कोई 20 तकरीबन 500 फुट नीचे होंगे यहाँ पहाड़ से। यहाँ पे कुछ काफी जानवर, यानी कि क्योंकि जंगलात है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे चीते हैं, शेर हैं, हिरने हैं, इधर बंदर भी है, लंगूर और ये वो, गीदड़, बघियाड़, लिपर्ड वगैरह। आपको किसी दिन दिखाएंगे। ये सामने हमारे वाजिद साहब है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद इकबाल है और मैं अली का दोस्त हूँ। आप देख रहे हैं अभी लाइव टीवी, हम अली का मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। अली अपने मोबाइल के बारे में सख्त परेशान है। मेरे पास उनकी एनके हैं जिनके बारे में वो फजर के वक्त मेरे पास पहुँच गए थे और अब वो उनको इंशाल्लाह कल मिल जाएंगी एनके। अल्लाह बंद करो, ये देखते हैं वीडियो थोड़ी नीचे जाकर। ये वीडियो राजे के लिए, ये रास्ता जा रहा है कुल डरने की तरफ। जैसे मैं हूँ आपका मेहमान सिराज अली, जैसे आपने देखा था कि कितने खूबसूरत जन्नत पीने से हो गए हैं, उसके बाद हम इधर आए, इधर कुत्ते देखे आज ही, एक कुत्ते की दौड़ आपने देखी। ये अंदर वो सामने हवेली है ना, ये आप बैंड देख सकते हैं, बैंड से देख सकते हैं कि ये जंगल के अंदर है। और ये हमें देख के इस टाइम बाहर नहीं है, अब ये आ रही है हमारे पास, आ रही है, हम इसे करीब आए। ये संडा है, संडा, ये संडा, ये हमारी गलत फहमी हुई है। नहीं जी, ये मंडा है, इस भाई को गलत फहमी हुई है, ये मंडा है भाई, ये इसके नीचे चेक कर, वही कर रहा हूँ। ये उनकी नोजी निकाल रहे हैं ये भाई जान, उनकी नोजी निकाले, नोजी में उंगल दिया उन्होंने। अभी आप हवेली देख रहे हैं, 10 साल पुरानी, 50 साल पुरानी हवेली है, लेकिन ये कभी खुले नहीं है। इधर भूतनाथ है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये सबसे पुरानी इमारत, ये बहुत पुरानी इमारत है।